हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो फिर से आपके लिए एक बहुत ख़ास लेकर के आया हूँ। कई कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिन पर पता करना था लोगों को कि फ्री कॉपीराइट्स वाले इस तरीके का जितना भी स्टोरीज का वीडियोस होता है वो हम लोग कहाँ से लाएंगे, जिसमें हम लोग आराम से उस पर वीडियोस बनाएं और कोई सा भी कॉपीराइट का कोई क्लेम नहीं पड़े। जब भी आप इस तरीके का वीडियोस देखते होंगे, आप देखते होंगे अलग अलग तरीके का, यहाँ पे इसका टाइटल रहता है, थंबनेल रहता है और स्टोरीज जब भी आप देखते होंगे तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज मिलता होगा, कोई भी स्टोरी एक जैसा नहीं मिलता है। तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा, आज आपको मैं बताऊंगा कि इस तरीके का स्टोरी, फ्री कॉपीराइट्स का स्टोरी आपको कहां से मिलेगा, जिससे कि आप भी ढेर सारा कार्टून्स के वीडियोस बना सकें। वीडियो का लेंथ बहुत छोटा है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जिसको आप यूज़ करके आप बिल्कुल फ्री कॉपीराइट्स का इस तरीके का वीडियोज़ आप बना सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हमें फ्री कॉपीराइट्स के इस तरीके का वीडियोस मिल सकता है। तो इसके लिए मैं दो वेबसाइट का यूज़ करूँगा, जो कि पहला वाला जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला वेबसाइट है, उस पर मैंने एक बार वीडियोस बना करके अपलोड किया था, जो कि मुझे मेल आया था कि ये कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट है, तो मैंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया। चूँकि आपको पता ही है कि मैंने भी अपना कार्टून का चैनल स्टार्ट किया था, एक वीडियो मैंने बनाया था और उस पर मैंने जैसे ही डाल करके ये किया तो उस पर मुझे कॉपीराइट का क्लेम मिल गया, तो फिर मैंने फट से उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके का मिस्टेक आप मत करना। चलिए देखते हैं कि कहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं गूगल पे, मैं आपको यहाँ पे दो साइट दिखाऊंगा। पहला वाला साइट कोई खास नहीं है, बट दूसरा वाला वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मस्त है, उस पर कभी भी इन फ्यूचर में आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं मिलेगा। एंड कोई भी अगर आप मैसेज उस पर करते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियोज़ चाहिए, स्टोरीज चाहिए, आपको जैसा वीडियो चाहिए, जैसा स्टोरी चाहिए, आपको उस तरीके का स्टोरी तुरंत उस पर पोस्ट मिल जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कार्टून स्टोरी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्टून स्टोरी STORY। अब मैं इस पर सर्च करता हूँ इन हिंदी, ठीक है, हिंदी है। अब मैं इस पर सर्च करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री स्टोरी इन हिंदी, फ्री स्टोरी इन हिंदी, यहाँ पे अबाउट ब्लॉग वगैरह लिखा हुआ है, हिंदी स्टोरी इस तरीके का लिखा हुआ है। आप इसका कोई सा भी अगर पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी वो स्टोरीज़ हैं जिसपे ऑलरेडी इस पर यूट्यूब का चैनल इस पर बना हुआ है, लोग इस पर काम करते हैं। तो यानी कि ये स्टोरीज जो है आपका, जो भी आपको स्टोरी यहाँ पे मिलेगा वो सारा का सारा यूज़ किया हुआ स्टोरी मिलेगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं इस तरीके का हमें स्टोरीज लेने से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा इस तरीके का स्टोरी जो है आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बट सेकेंड जिसको मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टोरी पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोरी देखने को मिल जाता है, मिला, शायद आपको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि मुझे भी इस तरीके से ढूंढ रहा था तो मुझे भी उस तरीके का सफिशेंट स्टोरीज नहीं मिल पाया था। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, और दूसरा जो वेबसाइट है, दूसरा वेबसाइट में भी आपको ले कर चलूँगा, बट एक गूगल का वेबसाइट एक मैं आपको और दिखा देता हूँ, जहाँ पर कार्टून स्टोरी जैसे मैंने टाइप किया वो मुझे मिला, बट यहाँ पे अगर मैं स्टोरी ढूंढने के लिए जाऊँगा तो इस तरीके का ऐसा ऐसा स्टोरी अपने को मिलेगा। अगर मैं किसी स्टोरी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और स्क्रॉल करके जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो इस तरीके का जितना भी स्टोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे स्टोरीज जो है यूज़ वाले हैं, ठीक है। और इस पर कॉपीराइट का क्लेम आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे भी कोई गारंटी नहीं है, बट मैं जो आपको एक वेबसाइट बताऊँगा उस पर कॉपीराइट का कोई सा भी क्लेम कभी जीवन में आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आएगा। एंड दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और यहाँ पर वन स्टॉप ब्लॉग है, यहाँ पर आपको बहुत तरीके का कार्टून का स्टोरी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नया कार्टून का स्टोरी चाहिए तो आपको वो भी चीज़ बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा, बस आपको एक मैसेज कर देना है और ये आपके पास बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं गरीब किसान, ठीक है, इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे करेंगे, कंजूस पति से पत्नी परेशान थी क्योंकि, ठीक है, एक राजा रहता था जो बहुत कंजूस था, गरीब मोची की कहानी, एक बार एक चिड़िया थी जिसका नाम टुन्नी था, कार्टून एनिमेशन वीडियोस बनाने के, यहाँ पे बहुत सारा आपको है। किसी भी, अगर मान लीजिए किसी भी एक पे अगर जैसे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे गरीब के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ पहला स्टोरी पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्टोरी है यहाँ पे बिल्कुल फ्री ये स्टोरी है, यहाँ पे कोई सा भी आपको कॉपीराइट का कोई क्लेम नहीं आएगा। रीज़न ये है क्योंकि इस पर जो भी स्टोरीज मैं डाल रहा हूँ ये मैं खुद से डाल रहा हूँ, ये वेबसाइट मेरा अपना खुद का है, इसलिए आपको कभी कोई सा भी कॉपीराइट्स नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई सा भी नया कोई स्टोरी चाहिए, अगर आपके माथे में, दिमाग में जैसा भी स्टोरी चल रहा है, आपको कुछ नया स्टोरी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉन्टैक्ट अस पे जाना है,
यहाँ पे आपको जिस तरीके का स्टोरी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल कर देना होगा, अपना मेल आईडी डाल देना होगा, जितना भी जैसे लाल लाल जैसे टिक लगा होगा ना, ये मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही डालना है, ठीक है। इस तरीके का स्टोरी डालने के बाद कमेंट्स में यहाँ पे आपको जिस तरीके का जो भी स्टोरी चाहिए होगा आप मुझे भेजेंगे, और आपको 24 आवर्स के अंदर ही वो स्टोरी आपको बिल्कुल फ्री कॉपीराइट्स वाला स्टोरी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरीके का स्टोरीज जो है बिल्कुल सब तरीके से कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करने के बाद बहुत मेहनत करके इसको मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ ताकि आपके लिए फ्री कॉपीराइट्स हो जाए। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत नीडफुल बन गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिलेंगे। कई दिनों से मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा था, बना नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, टाइम नहीं था कि मैं बना पाऊँ, बट फाइनली मैं आ गया हूँ। व्हाट्सएप पे भी सबको एंटरटेन करता हूँ, सबके आंसर का जवाब देता हूँ, अब मैं फिर से एक्टिव हो गया यूट्यूब पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप आराम से उसको यूज़ कीजिए, चैनल को मेरे फॉलो कीजिए, वीडियोस जितने भी आते हैं उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ भी अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके भाई का ही वेबसाइट है जिसमें मैं इस तरीके का वीडियोस डाल रहा हूँ, और आपके लिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है ये वाला वेबसाइट, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आपको भी बहुत कुछ बेनिफिट इसमें मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से YouTube पे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का अपना ये स्टार्ट कर दूं, सो दैट कि आप जब भी कुछ मांगे तो आपको फटाफट मिलते जाए। आप जहाँ भी कमेंट करते होंगे आपको मिलता होगा या नहीं मिलता होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे पास करेंगे तो 100% आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी मेरे से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला। तो गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।